आपकी सेक्रेटरी को बताया आपने वकील के लिए, लेकिन वो जारी है, करा लेंगे। उसकी जमानत उनकी ओटीआर आ गई है तो खत्म कराओ इसको भाई। ये आपकी समझ जाइए, अगर ये नहीं हुआ वकील तो ये फिर आपके और सेक्रेटरी है तो उसे वकीली हो सकता है। इसका बड़ा स्पष्ट शासन आदेश भी जारी हुआ था जब पार्षदी सर और अनुराग सर थे, तो ये जारी है। तो एक सप्ताह में इनको टाइम दिया नहीं है, हमें व्हाट्सएप करके सूचित करिए आप। इनको मिला तो शौचालय वगैरह सब ठीक है आपके एरिया पंचायत में? चलो इधर कुछ है और मनरेगा का ठीक है, ये सब ठीक है। इधर से दिखाओ जिला अधिकारी सीतापुर अनु सिंह ने जैसा कि पहले दिन से ही इरादे अपने जाहिर कर दिए थे कि वो केबिन में बैठकर अफसरगिरी करने वाले अधिकारी नहीं हैं, वो फील्ड में उतरेंगे और जहां भी खामियां मिलेंगी कार्रवाई भी करेंगे। इसी क्रम में आज सीतापुर महिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद वो सीधे ब्लॉक कसमंडा पहुंचे जहां पर उन्हें भारी अव्यवस्थाएं मिली, कार्यों में लापरवाही भी देखी गई, इस पर उन्होंने बड़ी कार्रवाई भी की है। हम सीधे चलते हैं कसमंडा, हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश सिंह जो ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं हमें पूरी रिपोर्ट। सत्य प्रकाश जी बताइए क्या रहा निरीक्षण में? जी आपको बता दें कि आज दोपहर करीब 1:30 बजे जिला अधिकारी अनु सिंह व मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा खंड विकास कार्यालय कसमंडा पहुंचे और वहां पर इनको कार्यों में दस्तावेजों जाँच की। दस्तावेजों की जाँच में उन्हें काफी अनियमितताएं मिलने पर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। एडीओ एजी पर को निलंबित कर दिया है, वहीं एडीओ पंचायत बलराम वाजपेयी पर
बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबन के साथ साथ उनका वेतन रोकने और जांच टीम गठित करके उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। यही नहीं, खंड विकास अधिकारी अवध प्रताप सिंह कसमंडा मत पेटियां बाहर पड़ी और गंदा शौचालय देखकर उनकी भी जमकर क्लास लगाई और एडीओ कोऑपरेटिव, बड़े बाबू, मनरेगा ऑफिस, सभी ऑफिसों में जा करके कागजों की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में अनियमितता पाए जाने पर सभी की जमकर क्लास लगाई और सभी को कार्य दुरुस्त करने के आदेश दिए। यह माजरा देख कसमंडा ब्लॉक के सारे सचिव अपने अपने कार्यालयों में ताले लगाकर रफू चक्कर होते नजर आए। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरीके से वहां बड़ी अव्यवस्था डीएम और सीडीओ को देखने को मिली, जिसको लेकर के खासा नाराज दिखे डीएम और उन्होंने बड़ी कार्रवाई भी की है। अब बीडीओ को भी उन्होंने फटकार लगाई है और एक बड़ी बात निकल के ये भी आई कि डीएम का एक्शन देख, डीएम के तेवर देख, वहां जो सचिव थे वो अपने अपने कक्षों में ताले डालकर वहां से रफू चक्कर हो गए हैं। ये बड़ी बात एक सामने आ रही है। सत्यप्रकाश जी, कितनी देर वहां पर डीएम रुके? डीएम साहब ने प्रत्येक ऑफिस में जा करके प्रत्येक कक्ष का मुआयना किया। लगभग एक घंटे तक उनका मुआयना चला और खुद अलमारियों में जा करके उन्होंने अपने आप दस्तावेज निकाल करके एक एक दस्तावेज की जांच की। बड़ी बारीकी से जांच की है जिलाधिकारी महोदय ने और कुछ कागज न मिलने पर खंड विकास अधिकारी ने कुछ अधिकारियों की छुट्टी का बहाना लेकर के उनसे बचते नजर आए। जी बिल्कुल, तो ये हाल है ब्लॉक कसमंडा का, जहां आज डीएम और सीडीओ पहुंचे औचक निरीक्षण करने तो उन्हें भारी अव्यवस्थाएं मिली, कार्यों में लापरवाही भी सामने आई जिस पर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। दो लोगों को निलंबन भी किया है जबकि एक को सेवा समाप्ति को लेकर भी कवायद उन्होंने की है। तो ये पूरा मामला, और यहां से डीएम सीधे महमूदाबाद भी पहुंचे हैं, वहां निरीक्षण करेंगे तो हम कसमंडा के बाद आपको महमूदाबाद भी लेकर चलेंगे और बताएंगे कि डीएम ने वहां पर क्या कुछ देखा और क्या कुछ निर्देश दिए। तो फिलहाल दर्शक, सीतापुर की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आई इंडिया से जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।